हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे। यहाँ पर अगेन आपके साथ शेयर करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी। मूंग दाल की बड़ी सभी को बहुत पसंद होती है, एक बार बना के पूरे साल भर खाई जाती है या बाजार में भी बहुत इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन आज मूंग दाल की बड़ी को आपके साथ बनाने जा रहे हैं क्रिस्प के साथ। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी आपके लिए आज होने वाली है। सर्दी जाने से पहले सभी लोग हरी मटर को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, तो हरी मटर को आप किस तरह से बहुत इजी तरीके से बड़ी के रूप में स्टोर कर सकते हैं, बस वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया बड़ी हमारी बनके तैयार हुई है। आलू की सब्जी या किसी भी रेसिपी में आप इन्हें बना सकते हैं, बहुत ईजी है बनाने में और बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आज की स्पेशल बड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ली है धुली हुई मूँग की दाल 1/2 कप। वजन में ये हमारी 60 ग्राम है। इसे अच्छे से हमने वॉश कर लेना है और वॉश करके हम इसे पूरे रात भर के लिए या करीब 6 से 7 घंटे के लिए ज़रूर पानी भिगो के रख देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट पानी भिगो के रखा था और उसके बाद यहाँ पे गैस पे चढ़ाया है पैन और करीब आधा भिगोना पानी यहाँ पे हमने गैस पे चढ़ाया है। इसे अच्छे से हमने गर्म होने देना है, यानी हमने इसे तेज़ गर्म कर लेना है। और पानी में हम यहाँ पे मिलाने जा रहे हैं करीब आधे चम्मच नमक और नमक को भी एक बार अच्छे से हम चला देंगे। गैस अभी हमारी हाई फ्लेम पर है और हाई फ्लेम पर ही हमने पानी को अच्छा गर्म कर लेना है। मटर को स्टोर करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन आज कुछ अनोखा तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पे हमने ली है 1 कप ताजी मटर। वजन में ये 1/2 किलो थी। छिलका सहित, छिलका उतारने के बाद हमारा पूरा 1 कप मटर है ये, और इसके बराबर का 1/2 कप यहाँ पर हमने लिया था धुली हुई मूंग की दाल, जिसे हमने रात में पानी भिगो के रख दिया था। और बस जैसा कि आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छा गर्म हो गया है। यहाँ पे ऐड कर दी है हमने हमारी सारी ही मटर। इस रेसिपी के लिए फ्रोजन मटर का यूज़ नहीं करना है, ताजी मटर का ही यूज़ करना है। और बस मटर को बिल्कुल अच्छे से हमने बॉयल कर लेना है, जब तक कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इन्हें बॉयल कर लेंगे। जो मटर पहले से ही पानी में ऊपर तैर रही हैं, हल्की होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, क्योंकि कच्ची मटर, और वो बहुत जल्दी हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी बहुत जल्दी बॉयल हो जाती हैं। लेकिन जो मटर ऑलरेडी नीचे बैठ जाती हैं वो टाइट होती हैं। जब सारी मटर अच्छे से बॉयल हो जाएंगी तो जो नीचे बैठी मटर हैं वो भी ऊपर आ जाएंगी, और हमारी मटर बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हमारी दाल भी अच्छे से सोख हो गई है, रात भर हमने इसे सोख करा था। इसका ये वाला पानी हमें निकाल देना, करीब 1 से 2 बार और इसे ज़रूर हमने वॉश करना है। दाल का सारा पानी हमने निकाल दिया था, हमने मटर का ये वाला पानी भी निकाल देना है। अगली सर्दी तक अगर आप इजीली इस रेसिपी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये वाला पानी निकाल के ही यूज़ करना है, नहीं तो स्मेल हो जाएगी। तो दाल का जो रात को हमने सोख करा पानी था वो भी निकाल दिया, और जिस पानी में मटर को बॉईल करा था वो भी सारा निकाल दिया है। दोनों ही चीज़ को ले लिया है एक मिक्सी जार में। मिक्सी जार में डालने के बाद हमने बनाना है इनका एक स्मूथ पेस्ट। ओवरफ्लोइंग पेस्ट नहीं बनाना, पेस्ट हमारी बड़ी के लिए हमेशा ही गाढ़ा होता है, यानी थिक बैटर हमने बना के तैयार करना होता है। तो अभी यहाँ पे हम बिना पानी के एक बार इसे चला रहे हैं, पानी हम बाद में यूज़ करेंगे। एक बार इसे ऐसे ही डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। एक बार हमने इसे बंद करके ऐसे ही ग्राइंड करा था, और उसके बाद हमने करीब इसमें डाला है 5 से 6 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 चम्मच पानी डालते हुए हमने एक इसका स्मूथ बैटर और थिक बैटर बना के तैयार कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक स्मूथ और थिक बैटर हमारा इसका बन के तैयार हो चुका है, और आप हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस सारे ही बैटर को हमने निकाल लेना है एक बड़े बर्तन में, किसी भी मिक्सिंग बाउल में आपको इसे निकाल लेना है, किसी परात में इसे निकाल लेना है। अगेन बताना चाहेंगे, ज़्यादा नहीं, करीब 5 से 6 चम्मच पानी डालते हुए हमने इसका ये बैटर बना के तैयार करा है। आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप दाल और मटर को अलग अलग ग्राइंड कर सकते हैं, अलग अलग इनका एक स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, और फिर बाद में दोनों चीज़ों को मिक्सिंग बाउल में डाल के चम्मच से या विस्कर की हेल्प से आप दोनों ही चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों ही चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। अगर आप अलग अलग भी ग्राइंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों ही चीज़ बहुत आराम से आपकी ग्राइंड हो जाएंगी और बाद में आप उन्हें मिक्स कर लीजिएगा। और बस सारा ही बैटर निकालने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच करीब हींग, और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से हमने इसे फेंटना है, अच्छे से इसे विस्क करना है। हाथ से विस्क कर सकते हैं या विस्कर की हेल्प से भी इसे फेंट सकते हैं, जब तक कि बिल्कुल हल्की नहीं हो जाती दाल, यानी हमारी दाल फ्लफ़ी नहीं हो जाती, जब तक हमने इसे विस्क करना है। करीब 10 से 15 मिनट आराम से लग जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम किसी भी सोडे का यूज़ नहीं कर रहे, हम एक लंबे समय तक इन्हें स्टोर करने के हिसाब से बनाएंगे, तो सोडे का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमने करीब 10 से 15 मिनट इसे आराम से फेंटा है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना चेंज हो गया है, और दाल हमारी अच्छी खासी फ्लफ़ी भी हो गई है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसे हाथ से विस्क करते हैं, यानी हाथ से फेंटते हैं,
बहुत आसानी होती है हाथ से फेंटने में, और हाथ से फेंटी हुई दाल बहुत जल्दी आपकी फ्लफ़ी हो जाती है। थोड़ा सा पानी लिया है और पानी में इस तरह से इसे डाल के देखेंगे, अगर आपकी दाल ऊपर उठकर आ जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब है बैटर हमारा तैयार है बड़ी तोड़ने के लिए। अगर ये ऊपर उठ के नहीं आती, नीचे ही बैटर रहता, तो हम थोड़ी देर इसे और फेंटते, थोड़ी देर इसे और विस्क करते। इसे तोड़ने के लिए यहाँ पे आप किसी भी पन्नी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने थाली ली है, थाली को हमने हल्का सा वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लिया है, देसी घी से या सरसों के तेल से इसे ग्रीस मत करिएगा, स्मेल हो सकती है। और बस छोटी छोटी बड़ी हम तोड़ेंगे, वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बड़ी तोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये और बताना चाहेंगे, आप चाहें तो बड़ी में और मसाले भी ऐड कर सकते हैं अगर मसाला बड़ी बनाना चाहें, क्योंकि बाद में जिस भी रेसिपी में इसे यूज़ करते हैं उसके मसाले को सॉक करने से ही बड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हमने कोई और मसाला इसमें यूज़ नहीं करा है। और अगर मसाला बड़ी बनाना चाहें तो आप यहाँ पर साबुत जीरा, साबुत धनिया, नमक और साबुत काली मिर्च को लेकर इन्हें दर दरा पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स बड़ी तोड़ के तैयार हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बहुत छोटी बड़ी तोड़ के तैयार करी है, पूरे दो दिन की अच्छी धूप हमने इनमें लगाई है। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी ये एक लॉन्ग लाइफ के लिए सही बनी रहेंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से अंदर तक ही सूख के हमारी तैयार हो चुकी हैं, और बस किसी एयरटाइट बॉक्स में स्टोर करके रखने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं। और अगर आप चाहें तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस घी में रोस्ट करके नहीं रखनी है, ड्राई रोस्ट करने से आप इनकी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।